नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की थड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हम राजस्थान जीके की इस सीरीज़ का पार्ट 7 आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम 6 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी हर अपडेट्स को पा सकें। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस महत्वपूर्ण पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है? है कोलायत बीकानेर में स्थित है कपिल मुनि का आश्रम। अगला क्वेश्चन है, लेक पैलेस जग निवास किस झील में स्थित है? यह पिछोला झील में स्थित है। लेक पैलेस जग निवास कहाँ पर स्थित है? पिछोला झील में। हमारा अगला प्रश्न है, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला से राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग अधिकांश नदियों वाला संभाग है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट। ये क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं एग्जाम में, इसे अच्छे से पढ़ लो। अजरक प्रिंट कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा इस अजरक प्रिंट में लाल और नीले रंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, खेजड़ी के वृक्ष में वन्य जीवों के महत्व को समझने वाले संत कौन थे? जाम्बोजी खेजड़ी के वृक्ष वन्य जीवों के महत्व को समझने वाले संत थे। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? नागौर के पर्वतसर में यह पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, मोर चंग वाद्य का यूज किस समुदाय के लोग करते हैं? लंगा गायक समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है यह मोर चंग वाद्य यंत्र। इसे लंगा जाति के लोग काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा के पास अविका नगर में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा के पास अविका नगर में, वैसे इसका आंसर शॉर्टकट में अविका नगर होता है, तो इसे पूरा समझाने के लिए हमने बता दिया राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा के पास अविका नगर। ऑप्शन में अविका नगर भी दिया जा सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ लें। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? अविवाहित महिलाएं कटकी वस्त्र पहनती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मरु त्रिकोण में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर, ये 3 जिले मरु त्रिकोण में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उजाला योजना का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल है। यह 1 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, इस योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित परियोजना कौन सी है? बरसिंगसर परियोजना लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? बीकानेर में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का क्षेत्र कहाँ पर है? तनोट जैसलमेर घोटार जैसलमेर और मनिहार टिब्बे में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लघु उद्योग राज सिक्को की स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961 को इसकी स्थापना की गई थी राज सिक्को की। रिको की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1969 को रिको की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती है? गाड़िया लुहार जनजाति होती है, जिसे घुमक्कड़ जाति भी कहते हैं। यह लोग मकान बनाकर नहीं रहते हैं। राजस्थान की कौन सी जनजाति जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? सहरिया जाति के लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं। अगला प्रश्न है, सूत्र चूर्णी नामक चित्र ग्रंथ किस शैली का प्रथम उदाहरण है?
मेवाड़ शैली का यह प्रथम उदाहरण है सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था, प्रथम चरण का। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ बनवाया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान भारत की पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान में कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में यह राज व्यवस्था लागू हुई। अगला प्रश्न है, राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? राव चूड़ा राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार पटेल को जाता है। इन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया था, तो राजस्थान का भी इन्होंने ही एकीकरण किया है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का शासक वंश गुहिल शासक वंश थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री कौन थी? मीराबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता कब किया? 1803 में जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष किस स्थान से मिले? बैराट से पुरातात्विक अवशेष मिले। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार कौन था? मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्र ने किसके आदेश पर वंश भाष्कर लिखना प्रारंभ किया? इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं, सूर्यमल मिश्र ने एक तो वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखा था, और किसके कहने पर लिखा था? महाराजा राव सिंह के द्वारा, राव सिंह के कहने पर यह लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना मान सिंह के हाथी का नाम था हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला प्रश्न, सावन भादो परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जगदीश मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में प्रसिद्ध जगदीश मंदिर है। राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? बांसवाड़ा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, भरतपुर के महाराजा सूरजमल का दरबारी कवि कौन था? महाराजा सूरजमल का दरबारी कवि था, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई? नक्की झील माउंट आबू में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। अगला प्रश्न, अमर शहीद लोठू जाट पुस्तक के लेखक कौन है? मनसुख रणवा अमर शहीद लोठू जाट पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। राजिया का दोहा किसने लिखा? इसका आंसर है कृपाराम खीड़िया ने राजिया का दोहा यह लिखा था, ठीक है। झुंझुनू के लोह पुरुष के रूप में कौन लोकप्रिय थे? झुंझुनू के लोह पुरुष के रूप में चौधरी घासीराम लोकप्रिय थे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में हीरे कहाँ पाए जाते हैं? केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में हीरे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की? भामा शाह ने अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट की। अगला प्रश्न, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बड़ी ठनी प्रिया थी? किसके प्रिया थी? नागवी दास की प्रिया थी, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बन गए, किशनगढ़ शैली पे बनी ठनी जो है, बनी ठनी चित्र शैली जो है वो किशनगढ़ की चित्र शैली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिर पर छिद्र युक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घुला नृत्य सिर पर छिद्र युक्त मटके को रखकर किया जाता है। कार्तिक मास पूर्णिमा को कौन सा मेला भरता है? पुष्कर मेला कार्तिक मास पूर्णिमा को भरता है अजमेर में। अगला क्वेश्चन, रूपयान संस्थान क्या है और कहाँ पर है? कला साहित्य केंद्र है रूपायन संस्थान, यह जोधपुर में है, जिसके स्थापना विजयदान देथा द्वारा 1960 में की गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लें।
अगला क्वेश्चन है, पाथल पीथल के काव्य के रचनाकार कौन है? कार कौन है? कन्हैया लाल सेठिया पाथल पीथल काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, चार बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रणाम, यह विरोक्ति किसकी है? चंद्र बरदाई की यह विरोक्ति है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर ले। चार बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रणाम किसकी विरोक्ति है? चंद्र बरदाई की। अगला प्रश्न, मुरा दुधारू पशु नस्ल किसकी है? भैंस की मुरा दुधारू पशु नस्ल है। अगला प्रश्न है, स्यालू फसल का क्या अर्थ है? यह खरीफ की फसल को कहा जाता है स्यालू फसल। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन सांभर झील से किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस के भंडार कहाँ मिले? कमली ताल में मिले थे सबसे पहले गैस के भंडार। अगला प्रश्न, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? जावर में शीशे की सबसे बड़ी खान है। अगला प्रश्न, डोला मारू का दोहा किसके रचयिता कौन है? कवि कल्लोल इसके रचयिता हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई हमारा दोस्त गवर्नमेंट जॉब को जल्दी से जल्दी पा सके। थैंक यू वेरी मच।